गुरुदेव कहा करते थे कि संदेश या शिक्षा वो नहीं होती जो हम अपने बोल करके दिया जाते हैं, शिक्षा तो वो होती है जो हम अपने कर्तृत्व से देते हैं। ऐसे कर्तृत्व के धनी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी बोल के नहीं बल्कि अपने कर्तृत्व के द्वारा सबको शिक्षा दे देते हैं, और उनके एक एक चीज, उनका बोलने का ढंग, उनका बात करने का ढंग, उनका बैठने का, उनका अभिवादन करने का एक एक चीज हमें जीवन में शिक्षा प्रदान करती है। हम सब आज गौरवान्वित हैं उनको अपने बीच में पा करके। डॉक्टर पंड्या जी को बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। दिव्य चेतना के उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयत्न करें, जिनका अनुग्रह आशीर्वाद हम सबके जीवन पर सतत निरंतर बना रहता है। गायत्री मंत्र साथ साथ, ओ परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, उनके सूक्ष्म सानिध्य में गायत्री धाम सेंधवा माँ सुरभि गायकी तपस्थली छोटा शांति कुंज, इन सारे दिव्य उपमाओं से सुसज्जित इस पवित्र प्रांगण में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय शर्मा मामा जी, आदरणीय श्री अरुण भाई साहब, आदरणीय मेवालाल मामा जी, मामी जी, यहाँ उपस्थित सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जीवन में दो तरह की यात्राएं होती हैं। एक यात्रा वो होती है जो हमें बाहर की तरफ लेकर के जाती है। आपको यहाँ से बड़वानी की ओर जाना हो, अंजड़ की ओर जाना हो, जुलवानिया की ओर जाना हो, इंदौर की ओर जाना हो, तो आप एक बाहर की यात्रा पर निकलते हैं। जितनी दूर की यात्रा है उतनी लंबी व्यवस्था आपको बनानी पड़ती है। पर जीवन में एक यात्रा वो होती है जो हमें अपने अंदर अंतःकरण में व्यक्तित्व के अंदर गहरे उतर करके संपन्न करनी होती है। और व्यक्ति भटक गया है, भटके हुए व्यक्ति को अपने आप को ढूंढने के लिए ध्यान के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। दूसरों को ढूंढने के लिए तो गूगल है, अपने आप को ढूंढने के लिए ध्यान है। अपने मन के अंदर गहरे उतरने के लिए, अपने आप को अपने अंदर सर्च करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती। कहीं मैं एक छोटी कहानी पढ़ता था कि एक व्यक्ति था, वो समुद्र की यात्रा पर निकला और उसका जो जहाज था वो टूट गया। टूट गया तो लहरों ने बहाकर उसको एक निर्जन द्वीप पर ला करके खड़ा कर दिया। निर्जन द्वीप था, कोई वहां रहता नहीं था, नारियल के पेड़ थे, पानी था, तो खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, पर आदमी कोई नहीं था वहाँ, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत की कोई सुविधा नहीं थी। तो व्यक्ति वहाँ पर रहने लगा, धीरे धीरे करते हुए 2 या 3 वर्ष निकल गए। और एक दिन एक दूसरा जहाज वहाँ से निकला, उसने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पर अटका हुआ है, तो उसने उनको बुलाया, बचाया। बचाने के बाद जो जहाज के कर्मचारी थे उसको कप्तान के पास ले गए और बताया कि व्यक्ति 3 साल से अकेला रह रहा था। जहाज के कप्तान ने कहा कि साहब आपकी घटना जो है वो तो अद्भुत है, ऐसी तो आज तक इतिहास में नहीं हुई। बोले आप चलो वापस, हम आपको बचा करके ले चलते हैं, और जब दुनिया आपके बारे में जानेगी तो आपके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां छपेंगी, लोग बड़े बड़े समाचार पत्रों में आर्टिकल लिखेंगे, फीचर लिखेंगे। उसने कहा ठीक है साहब। जहाज के कप्तान ने जो अपना कमरा था उसके लिए खाली कर दिया, बोले इसके अंदर आप जाके बैठ जाओ, आराम कर लो, 3 वर्ष से आपने कोई आदमी देखा भी नहीं है, आप अंदर आराम करो। अंदर गया वो व्यक्ति, थोड़ी देर तो लेटा रहा, फिर उसने सोचा कि अखबार पढ़ लेता हूँ, अखबार पढ़े हुए जमाना गुजर गया था। उसने अखबार उठाया, 2 दिन पहले का अखबार उठाया, उसमें खबरें थी, हिंसा की खबर थी, बलात्कार की खबर थी, कहीं हत्या हो गई थी उसकी खबर थी। उसने कहा अरे कैसा अखबार है, रख दिया। 7 दिन पहले का उठाया, फिर खबर पड़ी, वही खबरें थी। 14 दिन पहले का उठाया, वही खबरें थी, फिर वापस रख दिया। 1 महीने पहले का उठाया, वही खबरें थी। जहाज के कप्तान के पास गया, जहाज के कप्तान के पास गया और बोला कि भाई साहब मुझे वहीं छोड़ाओ, आप जिस द्वीप से आप लेकर के आए थे वहीं छोड़ाओ। उन्होंने कहा क्यों? बोले इतने दिन दुनिया से दूर रहा तो अब समझ पाया हूं कि किस पागलखाने से दूर था, अब दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। दुनिया ऐसी हो गई दोस्तों,
अपने अंदर उस निर्जन द्वीप की तलाश ध्यान की यात्रा है कि हम लोग दुनिया की भीड़ भाड़ में बैठे हैं पर अपने अंदर गहरे उतर जाएं और उस द्वीप को पालें, उस आइलैंड को पालें, उस सुनसान सी जगह को पालें जो हमारे व्यक्तित्व के केंद्र में है, वो ध्यान की यात्रा है। और मन में गहरे ध्यान को उपलब्ध होने के लिए, खासतौर पर जब आज का शरद पूर्णिमा का ध्यान हम लोग करेंगे तो उसको उपलब्ध होने के लिए, उसको पाने के लिए, उसके साथ एक साम्य, उसके साथ एक समरसता को प्राप्त करने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। जब हम ध्यान करें तो जिस पहले गुण की आवश्यकता है उसका नाम है ग्राह्यता, रिसेप्टिबिलिटी, पाने की क्षमता। बारिश हो रही हो और आप घड़े को उल्टा रख दो तो उसके अंदर पानी भर नहीं सकता, उसके लिए घड़े को सीधा करना पड़ेगा। पूरा का पूरा मानसून का बारिश भी आ जाए, सारे के सारे बादल एक जगह पर फट पड़े, तब भी उस बर्तन को भर नहीं सकते यदि बर्तन उल्टा रखा हुआ है। तो यदि ध्यान की ऊर्जा को ग्रहण करना है, यदि आपको दिव्य सत्ता के प्रसाद को स्वीकार करना है तो उसके लिए पहले अपने व्यक्तित्व को खोलना पड़ता है, अंदर के दरवाजों को खोलना पड़ता है। यदि अंदर के दरवाजे बंद हैं तो परमात्मा का प्रवाह आता है, दिव्य सत्ताओं का प्रसाद आता है, गुरुदेव माता जी का अनुग्रह आता है, ईश्वर की अनुकंपा होती है, पर आदमी के दरवाजे बंद के बंद रह जाते हैं। अंदर से पहले दरवाजे को खोलना जरूरी है। एक छोटी घटना मुझे याद आती है कि एक प्रसिद्ध फकीर थे और राजा ने अपने मंत्री को उनके पास सीखने के लिए भेजा। उनने कहा कि वो जो फकीर हैं वो बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं, आप उनके पास कुछ सीख करके आओ। मंत्री गए, मंत्री अहंकार से भरे हुए थे, बहुत ज्ञान था उनको। तो मंत्री गए जब फकीर के पास मिलने के लिए तो फकीर से बोलने लगे कि देखिए साहब, मैं तो दो दो PhD करी हुई है और मेरे पास इतना ज्ञान है, पता नहीं मुझे क्या सोच करके राजा ने आपके पास भेज दिया, पर आप कुछ सिखा सकते हो तो सिखा दो। फकीर मुस्कुराए। फकीर बोले, जब आपको सब पता ही है तो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आप चाय पी लीजिए, चाय पी करके आप वापस जाइएगा। उनने कहा ठीक है। फकीर ने दो कप रखे वहाँ पर, दो प्याले रखे और दोनों के अंदर चाय को पूरा का पूरा भर दिया, ऊपर तक प्याला भरा हुआ था। और उसके बाद फिर उनने चाय डालनी शुरू करी और सारी की सारी फैलने लगी। मंत्री बोला कि क्या बात कर रहे हैं साहब, आप पूरा का पूरा प्याला भरा हुआ है ऊपर तक, इसके ऊपर आप चाय डालोगे तो बाहर फैल जाएगी। फकीर बोले, तो फिर तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, पूरे के पूरे तो तुम अहंकार से भरे हुए हो, जब अहंकार से भरे हुए हो तो ज्ञान कहाँ से आ जाएगा, उसके लिए प्याले को खाली तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब ध्यान की यात्रा पर हम निकलते हैं तो जितना हम जानते हैं उसको भूल जाइए, जो हमें पता था उसको भुला दीजिए, एक नई यात्रा पर हम लोग निकलते हैं। एक बड़ी प्यारी घटना है, जब पॉल ब्रंटन पहली बार मिलने के लिए आए महर्षि रमण से, तो सिर्फ 3 वाक्यों की बातचीत हुई उनकी। उनने उनसे आकर के पूछा, उनने कहा कि साहब एक बात बताइए, कि मुझे बताइए कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। महर्षि रमण ने कहा कि ये जानने से अच्छा है कि तुम ये जानो कि तुम वर्तमान में क्या हो, पिछले जन्म में क्या थे उसको जान करके क्या करोगे, अभी क्या हो इसको जानो। बोले, मैं इसलिए जानना चाहता हूं ताकि ये जान सकूं कि भविष्य में क्या बनूंगा। महर्षि रमण बोले, उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम उस तरीके को जान लो जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। बोले, वो मैं कैसे सीख सकता हूं, हाउ कैन आई लर्न दैट। पॉल ब्रंटन ने कहा, हाउ कैन आई लर्न दैट। एंड रमण महर्षि ने कहा, यू केम टू द रॉन्ग पर्सन, तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। वी डू नॉट टीच लर्निंग, वी टीच अनलर्निंग। हम लोग सिखाते नहीं है, हम लोग भूलना सिखाते हैं। जो सीख करके आए हो उसे भूल जाओ, तब तुम अध्यात्म की यात्रा पर निकलते हो, जितना सीख करके आए हो सब भूल जाओ। तो ध्यान जो पहली चीज सिखाता है दोस्तों, जितना आप पढ़ करके आए हो उसे भूल जाओ, ताकि गुरुदेव की चेतना को अपने अंदर प्रवेश दे सको। और प्रवेश देने के लिए जिस दूसरी शर्त की आवश्यकता है, वो शर्त है तड़प, भगवान को पाने की, गुरुदेव को पाने की, परमात्मा को पाने की। हम लोग बातें तो करते हैं पर करते करते भूल जाते हैं कि गुरुदेव को पाने के लिए तड़प की आवश्यकता है, अंदर से एक व्यग्रता की आवश्यकता है। उतनी व्यग्रता की, उतनी तड़प की आवश्यकता है जितनी यदि हमें किसी से प्रेम हो जाए तो प्रेमी को पाने के लिए जिस तड़प की आवश्यकता होती है, यदि उतना प्यार हमारे मन में गुरुदेव के लिए आ जाए, माता जी के लिए आ जाए, भगवान के लिए आ जाए, किसी भी दिव्य सत्ता के लिए आ जाए, तो भगवान यहाँ हम लोगों के सामने उपस्थित होकर के रहते हैं। वो अंदर से व्यग्रता की आवश्यकता है। छोटी सी घटना है कि एक व्यक्ति था, दिमित्री नाम था उसका, और एक बड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ है रशिया का, गुरजीएफ नाम था। और उसका शिष्य बनाने का बड़ा अद्भुत तरीका था। वो क्या करता था कि लोगों को महीनों भटकाता था, और जब उसे लगता था कि इस व्यक्ति के अंदर पात्रता है, योग्यता है, तो उसको अपना शिष्य बनाता था।
तो दिमित्री नाम का जो व्यक्ति था वो वर्षों बैठा रहा दरवाजे पर गुरुजीएफ के, और इंतजार करता रहा कि एक दिन गुरुजीएफ मुझे ढूंढेगा और शिष्य बनाएगा। एक वर्ष निकल गया। एक वर्ष के बाद गुरुजीएफ ने बुलाया, बोले इधर आ। बोले बेटा तू क्या करना चाहता है? बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजीएफ ने कहा ठीक है, कल सुबह तो 4 बजे मेरे पास आ जाना। बोले ठीक। 4 बजे गुरुजीएफ ने उस दिमित्री को बुलाया। 4 बजे सुबह दिमित्री आ गए। वो उनको लेकर के चले और जंगल में ले गए। जंगल में जो इरिगेशन की कैनाल होती है, जिसको सिंचाई की नहर बोलते हैं, वो हुआ करती थी, सूखी थी। 6 बजे वो लोग पानी छोड़ते थे। उसने उसको बीच में खड़ा कर दिया। बोले आप बीच में खड़े हो जाओ। बीच में खड़ा हो गया हो। उसने कहा क्या करूँ? बोले यहीं पर खड़े होकर के इंतजार करो। बोले क्या? बोले देखो अभी पानी आएगा, अभी इंतजार करो। पानी छूटा 6 बजे। जैसे ही पानी छूटा, उसके टखने से टकराया। दिमित्री घबराया। पानी जैसे ही टकराया, उसने कहा कि क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे डुबाने के लिए ले आए। उसने गुरुजीएफ की तरफ देखा। गुरुजीएफ मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। पानी थोड़ा और भरा, उसके घुटने तक आया तो अब और घबराया दिमित्री। उसने कहा कि मैं बाहर निकल आऊं? उसने कहा नहीं नहीं यहीं खड़े रहो, जहां आप खड़े हो सही जगह पे खड़े हो। थोड़ा और पानी बढ़ा, कमर तक आया। उसने फिर देखा। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा मेरे पास क्यों आए थे? बोले भगवान को पाने के लिए। तो बोले ठीक जगह पे हो, भगवान से अपॉइंटमेंट लिखा करके लाया हूं, भगवान यहीं आने वाले। बिल्कुल आप सही जगह पे हो, यहीं खड़े रहो। अब पानी बढ़ते बढ़ते छाती तक पहुंचा। उसने गुरुजीएफ को देखा तो गुरुजीएफ तो ध्यान में बैठ गया था। पानी अब की बार और बढ़ा तो नाक तक पहुंचा। इस बार उसने गुरुजीएफ को नहीं देखा, इस बार उसने तैरना शुरू करा तो गुरुजीएफ कूद कर उसकी पीठ पर बैठ गया, उसको डुबाने लगा। अब वो आदमी जोर से गुस्सा हुआ, उसने एक कोहनी मारी उसकी नाक पर और तैर करके पानी के किनारे पहुंच गया और जोर जोर से गाली देने लगा। बोला मुझे डुबाने चला था, कैसा आदमी है? गुरुजीएफ बोला कि गुस्सा करना छोड़ भाई, ये बता जब तू डूब रहा था तो तुझे क्या याद आ रहा था? बोला कैसा सवाल है भाई, हवा याद आ रही थी। बोले जितनी तड़प के साथ तुझे हवा याद आ रही थी, उतनी तड़प के साथ भगवान याद आएंगे तो तुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उतनी व्यग्रता की आवश्यकता है दोस्त, उतनी तड़प की आवश्यकता है। ध्यान सिखाता है अपने दिल के दरवाजों को खोलना, ध्यान सिखाता है मन में तड़प और व्यग्रता। और तीसरी चीज जो ध्यान मांगता है, वो मांगता है समर्पण गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति। एक विश्वास, एक समर्पण। विश्वास हम लोगों का डावाडोल हो जाता है, समर्पण कांप जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। जैसे ही जीवन में अच्छी परिस्थितियां आती हैं, हम श्रेय खुद लेने लग जाते हैं। बुरी आती हैं तो भगवान को, गुरु को कोसने लग जाते हैं कि उनके कारण हो रहा है, भगवान है, उसके बावजूद हमारे जीवन में कष्ट हो रहा है, भूल जाते हैं। उस समय में हमारी आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। और विश्वास तब आता है जब हमें बिल्कुल एकदम अटूट विश्वास हो कि सामने साक्षात परम पूज्य गुरुदेव खड़े हैं और वो हमारे जीवन की नाव को सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। एक छोटी सी घटना है, प्यारी घटना है, गुरुदेव ने लिखी भी है प्रज्ञा पुराण के अंदर, कि एक व्यक्ति जो है वो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आया। मिट्टी की मूर्ति थी, रख दिया, पूजा करने लगा उनकी। रोज रोज पूजा करता था और कामना करता था कि आशीर्वाद दे दें तो लक्ष्मी जी आ जाएं। नहीं हुई। 3 वर्ष हो गए पूजा करते करते, धन नहीं आया घर में। बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कैसे गणेश जी में लेकर के आया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आया, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दी। बोला मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूँगा, गणेश जी की नहीं करूँगा। और उसने जो है अगरबत्ती जलाई और लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू करी। लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू करी तो उसे लगा कि ये धुआं जो है लक्ष्मी जी की तरफ तो मैं कर रहा हूँ, गणेश जी की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसने 2 गेंदे के फूल उठाए और गणेश जी की नाक में डाल दिए। मैंने कहा आपकी तरफ धुआं नहीं जाएगा, है सिर्फ लक्ष्मी जी की तरफ जाएगा। अब वो जो गणेश जी की मूर्ति थी हंसने लग गई। अब वो आदमी घबराया। उसने कहा कि साहब इतने दिन से मैं आपकी पूजा कर रहा था, आप कभी नहीं आए, और आज मैं लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आया हूँ तो आप साक्षात खड़े हंस रहे हो। बोले बेटा इसीलिए तो हंस रहा हूँ, 3 साल में तुझे कभी नहीं लगा कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान बैठे हैं, आज पहली बार तुझे लगा कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान बैठे। जिस दिन तुझे लगा कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान बैठे हैं, उस दिन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वो जो विश्वास है दोस्तों, वो समर्पण को जन्म देता है। ध्यान तब सफल होता है जब हमारा विश्वास उस सत्ता के प्रति अटूट और अकाट्य होता है। तो ध्यान की यात्रा तब संपन्न होती है जब हृदय के दरवाजे खुलते हैं, समर्पण होता है, अंदर से ग्राह्यता होती है और अंदर से तड़प होती है। आज जब शरद पूर्णिमा का अवसर है तो इस समय चंद्रमा की पूरी कलाएं, षोडश जितनी हम लोग कहते हैं, पूर्ण हो जाती हैं। और आज के इस अवसर पर हम लोग
गुरुदेव का पूर्ण पुरुष के रूप में ध्यान करना चाहेंगे चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ, क्योंकि गुरुदेव के जीवन के अंदर, एक व्यक्तित्व के अंदर जितने पक्ष हो सकते हैं वो सारे उनके जीवन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। प्रेम देखने को मिलता है, लेखन देखने को मिलता है, वक्ता के रूप में देखने को मिलता है, समर्पण के रूप में देखने को मिलता है, युग दृष्टा के रूप में देखने को मिलता है, युग सृजनकर्ता के रूप में देखने को मिलता है, संत के रूप में देखने को मिलता है, सुधारक, शहीद, जिस रूप में भी आप देखना चाहें जीवन के सारे व्यक्तित्व के आयाम गुरुदेव के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज का जो ये ध्यान का अवसर होगा उसमें हम लोग गुरुदेव के व्यक्तित्व के साथ चंद्रमा की उन कलाओं को स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि चंद्रमा शीतलता का, प्रेम का प्रतीक है, और गुरुदेव का जीवन भी शीतलता का, पवित्रता का, प्रेम का प्रतीक है। आप किसी से पूछ करके देखो, जिससे भी आप पूछोगे आप उनके जीवन के ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाक्रम पाओगे जहां पर गुरुदेव के प्रेम ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवन भर के लिए बदल दिया। मैं आदरणीय दत्ता माई से बात कर रहा था तो उनसे पूछा कि आपकी पहली मुलाकात कब हुई गुरुदेव से, और जनरली आप किसी से भी पूछ करके देखो कि उनकी गुरुदेव के साथ पहली मुलाकात कब हुई तो आपको लगेगा कि वो जीवन परिवर्तन का क्षण था। दत्ता माई से पूछा था, दत्ता माई जी बता रहे थे कि जब वो पहली बार मिलने के लिए गए तो मथुरा में गए, गुरुदेव उससे मथुरा में रहा करते थे, और मथुरा में किसी कार्यक्रम के लिए गुरुदेव निकल रहे थे तो दत्ता माई ने जाकर के पैर छुए, गुरुदेव सीढ़ियों से उतर रहे थे तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, पहली बार मिल रहे थे, और गुरुदेव बोले कि बेटा खाना खा करके जाना। दत्ता माँ जी बोले, कुछ संकोच हुआ कि पहली बार मिल रहे हैं अभी कैसे खाना खा लें इनके घर पे। तो दत्ता माँ जी बोले कि गुरुदेव हम लोग रिश्तेदार रहते हैं हमारे मथुरा में, उनके यहाँ खाना खा लेंगे। तो गुरुदेव बोले, बेटा खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के नहीं खाया जाता। और ये जो बात है आप कल्पना करके देखो कि पहली बार गुरुदेव उनसे मुलाकात कर रहे थे, जो प्रेम था गुरुदेव का अपने बच्चों के प्रति, जो अपनापन था, जो आत्मीयता थी, वो कहीं और देखने को नहीं मिलते। एक छोटी सी घटना अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे बताई कि वो जब उनके बच्चे थे वो सेना में थे, अब तो खैर उन काफ़ी बड़े हो गए, बोले कि जब वो छोटे थे तो वो तो सेना में पोस्टेड थे, उनकी पत्नी जो है दिन रात की थकी हुई थी, बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया तो रात में बच्चा बुखार में बेहोश हो गया और पानी को मांगने लगा, और जो माँ थी वो सो गई थी तब तक थक करके, तो बच्चा जिस समय बेहोश हो गया उस समय उसको लगा कि गुरुदेव वहां आए, उसको पानी का गिलास दिया और सिर पर हाथ रख करके चले गए। बोले कि बेटा तू कल तक ठीक हो जाएगा। सुबह बच्चा ठीक हो गया, उठ करके उसने अपनी माँ को बताया कि ऐसी घटना घटी है। तो जब उनके पिता सेना की अपनी पोस्टिंग से छुट्टी पर आए तो गुरुदेव के पास दोनों माता पिता रोते हुए गए, पैर पकड़ लिए गुरुदेव के, और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव हम लोग आपका ऋण जीवन भर चुका नहीं सकेंगे। बोले हम लोग माता पिता होकर के चुक गए पर आपने तब भी हमारे बच्चे की रक्षा करी। गुरुदेव बोले बेटा तुम लोग मेरे बच्चे हो, मुझे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, माता जी को अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपने कोख से जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं रह गए? गुरुदेव बोले उसके बावजूद हम तुम्हारे माता पिता हैं। और दोस्तों ये जो प्यार है ये अटूट है, बिल्कुल इसका कहीं और उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आज के दिन दोस्तों मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि इस ध्यान के माध्यम से, ये जब हम लोग शरद पूर्णिमा का ध्यान यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं तो इसको साधारण ध्यान की तरह से न करें, उस शीतलता का, पवित्रता का, प्रेम का, समर्पण का, ग्राह्यता का, जीवन के उद्देश्यों का ध्यान करें जिनके माध्यम से हम लोग अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई पर, शिखर पर और नई संभावनाओं के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।